Live 26. Ab entertainment kabhi bhi kahin bhi. उनसे माइक ही छीन लिया, वो नहीं दे रहे. क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है? होल्ड ऑन टू इट. ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करे, कुछ बताएंगे इस बार? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग. आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो. I want to ask the director and the actors, like I see the social relevant films and serious issue mein humor lana kitna aasan ya mushkil hota hai, even the actors. Mere khayal se iska sahi jawab hamare jo writers hain Garima and Siddharth, wo denge. Wo wahi unki aatma janti hai ki wo kitna mushkil se uske andar humor late hain. Also the actors besides the writers. ह्यूमर लाना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है, बट जब आ जाता है तो बहुत आसान लगता है देखने में. और मुझे ये लगता है कि ह्यूमर से हम वो कह सकते हैं, अगर हम प्यार हंसते तो चाटा भी मारते किसी को तो चल जाता है, गुस्से में अगर हम कुछ एक बात भी कहते तो जिंदगी भर की बात बन जाती है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसाएं और थप्पड़ भी मारते हैं साथ से. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद में, कि आपकी कास्ट और डायरेक्टर आप कितना उसको कितना तरीके से साकार कर सकते हैं. तो ऐसी हमारी जो कास्ट थी, शाहिद रतन, दिव्येंदु, श्री सर के डायरेक्शन के अंदर इतना बढ़िया, इतना अच्छा माहौल था सेट्स पे कि वो ट्रांसलेट होता है इस फिल्म के अंदर. सो दैट आई थिंक इज द सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर दैट यू वॉच. शाहिद एंड श्रद्धा, लाइक टू ब्रिंग इन ह्यूमर एंड मेक इट रियली लुक कन्विंसिंग इन अ आई थिंक दैट पूरा प्रोसेस फिर फिल्म एंटरटेनिंग हो जाती है. और मैं भी ऑडियंस हूँ, फिल्म ऑडियंस हूँ, तो अगर एक सोशली रेलिवेंट फिल्म मुझे देखने को मिल रही है दैट हैज़ एंटरटेनमेंट इन इट एज वेल, और मैं हंस हंस के मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई थिंक कि वो सबसे बेहतरीन तरीका है एक सोशल इशू को लाइट में लाना और ऑडियंसिस को एंटरटेन भी करना. तो मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत बहुत खुश थी जब श्री सर ने मुझे श्री सर सिड और गरिमा को लगा कि मैं नॉटी का किरदार निभा पाऊँगी. बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हम एड्रेस कर रहे हैं, एंड उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए. ऑल ऑफ यू ऑल्सो आर एंटरटेन्ड. सो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक तो ये कि आम जिंदगी में रोज डिप्रेशन नहीं होता, यू नो नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है, लोग हंसते खेलते खुशहाल लोग होते हैं आम जिंदगी में जो देखा जाता है, और तब कोई एक इशू आता है जो आपको परेशान करता है. तो आई थिंक दैट्स रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ. लाइफ में हमेशा हर चीज़ दुखी और हर चीज़ खुश नहीं होती है. दो इशूज होते हैं जब आप एक सीरियस सब्जेक्ट या एक सोशल इशू को उठाते हैं, तो लिमिटेशन हो जाता है कि लोग क्यों देखना चाहेंगे, बिकॉज बोरिंग हो जाएगा. और दूसरी तरफ जब आप एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं तो इशू ये हो जाता है कि भाई हम नया क्या कहने वाले हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी 20-25 30 मिनट के बाद, कुछ नया कहने के लिए बचेगा नहीं, तो लोगों ने कहानी क्या है बॉस. सो व्हेन यू कैन फाइंड अ वे ऑफ पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, सो यू गेट समथिंग दैट इज रेलेवेंट एंड यू गेट अ स्टोरी लाइन दैट मेक्स सेंस दैट इज फ्रेश एंड डिफरेंट, बट यू गेट अ फिल्म दैट इज एंटरटेनिंग, सो पीपल हु आर पेइंग मनी टू कम इन टू गेट एंटरटेन, विच इज व्हाई पीपल एंटर अ फिल्म थिएटर, दे डोंट गेट टू कम हियर टू गेट एजुकेटेड. They get a story and they get entertained. So I think it's something that I would say is the flavor of the season. I think there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor. कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, study कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये space जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत appeal कर रही है, because entertainment भी मिल रहा है और stupidity और nonsensical चीजें भी नहीं हो रही हैं, कहानी भी है, and you can walk away with something that maybe will stay with you. And I think that is the best thing about cinema, that they can tell you something about life or they can touch you emotionally. I think that's the biggest quality of cinema. So it's a good combination. Shahid, the last question. Ask him a question, yaar. Bhushan ji. Kaun si film hai? ये सर उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है सर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आजू बाजू में है बट अलग है सर, आपको लगा यूपी है, ये राइटर्स आपको ढूंढेंगे. नो
था मेरे साथ जिसने बोला यूपी है ये उत्तराखंड है और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी और भी शहर है, तो छोटे शहरों की जो चीजें हैं, जैसे श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज लाइक मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि वो एक बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है। सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सनल टच भी मिलता है आपको एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ आल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी। भूषण जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए बट व्हाई यू डिडंट चूज वाराणसी, लाइक आपने आरती का सीट है बिकॉज़ आई बिलोंग टू वाराणसी, सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज किया बिकॉज़ वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी। आई थिंक ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज किया, वहां इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारा जिला आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है, तो आरती खाली बनारस में नहीं होता बट सीधे बन सकता है सर वाराणसी में। फिर शाहिद ओके शाहिद आपके लिए दोबारा बत्ती जलने वाली आपके घर में आएगी दूसरी बार भाई, तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है तो कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तो ग्रेट इंसान हो, इन लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए तुमने किन दो चीजों पे, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन बच्चा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए। दोबारा बाप बनने वाले हाँ हैं शूटिंग के दौरान नहीं बत्ती बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज, मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और शेड्यूल शुरू होने वाला था और हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई, इवन जब हम ऊपर डिग्री में शूट कर रहे थे विच इज लाइकली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर ये, हमें रियलाइज नहीं होता, ये बहुत जेन्युइन बहुत बड़ा बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती, स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे, वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें, हॉस्पिटल्स के अंदर आप इतनी सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास, तो वी हैव यू नो वी हैव ऑब्वियसली बीन टोल्ड अबाउट दिस बाय सिद्धार्थ गरिमा श्री सर, दे हैव गॉन एंड रिसर्च दिस एंड दैट इज व्हाई वी थॉट के इस पर फिल्म बनी चाहिए। मेरा फिर आगे लेने का सवाल है व्हाई इज दैट, वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा। अरे अच्छा बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना, अरे यार ऑन कर दो यार, वो 5-10 मिनट ऑन कर दो, इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। She was very unwell is what we were told. We were told that Yami just came, in fact she had flown back from out of the country to participate in the trailer launch, but she's been very unwell and as you can see she plays a very very important pivotal role in this film and I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film and in the last half an hour of the film you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer. And we sorely miss her presence here today. Shatru, my question. I have made a lot of money. भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई होते हैं। मुझे नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो, मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं, आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया, कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता, उसकी एक रेलेवेंस होती है, स्क्रीन प्ले में कुछ तेरा होता है अपनी तरफ से, है ना, तो मेरा सिर्फ ये रहता है मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ, और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं
काइया कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी काइया कमीना इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हीरो फिल्म की है। नहीं और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं। पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग, बेसिकली हंसते हंसते हालत खराब है तो बहुत एक्साइटेड हूँ विद ऑल द फिल्म्स एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बत्ती गुड मीटर चालू। एक आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ एज एन एक्टर कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई जो सोशली रेलिवेंट है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू को एक इशू को हेल्प करे एक सोल्यूशन, आई होप दैट द इशू फाइंड्स अ सोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इट। आई रियली फील कि एज एन एक्टर अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी टू थ्रू योर फिल्म सेंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बाद में बात करें उसके सवाल ना पूछा जाए, अबे पूछ लो यार। अरे यार फिल्म रिलेटेड सवाल भाई। अरे फंसना था।